हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क ईआरपी वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर पीरियड को कैसे एडिट कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आप जिस फाइनेंशियल ईयर की डेट को एडिट करना चाहते होंगे पहले उसका बैकअप ले लेंगे। दूसरा, अगर आप मल्टी यूजर है तो आप अपने क्लाइंट सिस्टम्स को क्लोज कर देंगे और मेन सिस्टम पर इस प्रोसेस को करेंगे। तीसरा, अपनी सर्वर फाइल को क्लोज कर देंगे। आइए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम रिपोर्ट्स मेन्यू से मैनेजमेंट रिपोर्ट्स से यूटिलिटीज से मल्टी एडिटिंग ऑप्शन पर आएंगे और यहां से एडिट फाइनेंशियल पीरियड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन एडिट फाइनेंशियल पीरियड की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको करंट फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ शो होगा। यहां आप अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर की डेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहां चेंज माय फाइनेंशियल डेट टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे। देन अलर्ट मैसेज की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें दिया गया है फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, एरर चेकिंग चला ले, ओके पर क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ऑटो क्लोज हो जाएगा। आप सॉफ्टवेयर को अगेन ओपन करेंगे। अब हम एरर चेकिंग रन करेंगे, जिसके लिए हम लिस्ट ऑफ कंपनीज विंडो से जिस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है उस पर एंटर करेंगे और यहां दिए एरर चेकिंग्स एंड रीराइटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके एरर चेकिंग प्रोसेस कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर की डेट चेंज हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में अपने फाइनेंशियल ईयर की डेट को एडिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।